खरगोन जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। आम हो या खास, हर वर्ग मतदान को लेकर जागरूक दिखाई दिए। बता दें कि खरगोन, कसरावत, गोगावा सहित भिकनगांव जनपद क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी कड़ी में खरगोन के ग्राम टेमला में बालकृष्ण पाटीदार ने अपनी चार पीढ़ी के साथ मतदान किया। मतदान केंद्र पर 69 वर्षीय पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, अपनी 95 वर्षीय माँ लाड़की बाई, 49 बेटे नितिन पाटीदार और 26 वर्षीय पोते नीतीश सहित परिवार के 18 लोगों के साथ मतदान करने पहुंचे थे। इस दौरान मतदाताओं ने बताया कि लोकतंत्र हित में प्राथमिक सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए स्वतंत्र मतदान किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी हुई, लाइन लगी, आप भी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, ये किस प्रकार का महत्वपूर्ण चुनाव है? बड़ा उत्सव है लोगों में और वो चाह रहे हैं कि अपने गांव के विकास कैसा हो, ऐसे जन प्रतिनिधि को चुन के पंचायत में बिठाए और अपना सभी प्रकार का समस्याओं का हल करें। अच्छा, क्या मुद्दे हैं गाँव में चुनाव को लेकर? पानी का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, गरीब लोगों का पेंशन का मुद्दा है, कुआ कुटीर, ग्राम पंचायत से जो जुड़े हुए कार्य है, इन कामों को देखते हुए लोगों में उत्साह है और वोट डालने सुबह से आ गए सब। क्या नाम है आपका? हेमराज पाटीदार, टेमला। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप मतदान करने पहुंचे, बहुत उत्साह देखा जा रहा है, महिलाओं की भीड़ लगी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार गांव का अच्छे से विकास करना है, इसलिए हमको अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है। हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव के लोग आगे बढ़े, हमारे गांव में तरक्की हो, हमारे गांव का नाम हो, इसलिए हम लोग वोट देना है। मेरा वोट मेरा अधिकार। अच्छा, आपका वोट आपका अधिकार। किस प्रकार से देखते हैं आपकी ये जो चुनाव है, कितने महत्वपूर्ण है? हमको पता है कि आजकल जो भी हो रहा है, ठीक है, हम हमारी समस्या किसी एक ऐसे पर्सन के पास लेकर जाते हैं कि जो दूर कर सके उस समस्या को, इसलिए हम ऐसे प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं जो हमारी समस्या को दूर कर सके। क्या मुद्दे हैं वैसे? मुद्दे क्या है विकास के? मुद्दे में कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि गाँव में सफाई को लेकर, शौचालय को लेकर, फिर गांव में पढ़ाई के प्रति लोगों को जागरूक करके, स्वच्छता के प्रति जागरूक करके, गांव के जो दूसरी भी समस्या है, बहुत सारी बेरोजगारी की जो समस्या है, उनको दूर करने के लिए। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? दीक्षाली चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।